ऑर्डर में कुछ और भी क्या था आपने? अरे क्या हो गया भैया? हाँ जी, जाने का भी ऑफ रोडिंग, आने का भी एक ऑफ रोडिंग, भाई पूरी ऑफ रोडिंग है यार, बहुत तगड़ी वाली बात है। लोकेशन ना आपकी वहाँ खत्म हो गई थी पीछे ही। यही खत्म हो जाए? हाँ ये क्या है? मैं तो भाई कंफ्यूज था, मेल है फीमेल है, बट उन्होंने जब उन्होंने कहा ना आ रहा हूँ मैं, फिर समझा मैं भाई फीमेल नहीं मेल है। पहले फ़ोन क्यों उठाया नहीं था आपने? अमेजोन से ऑर्डर है आपका एक, शायद घर के बाहर ही खड़ा हूँ मैं आपके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज अपन इस ब्लॉग के थ्रू अपने घर से कर रहे हैं, और भाई शाम से कर रहे हैं, शाम से या रात से कर रहे हैं भाई, टाइम रखा 7:10, और अभी स्लॉट टाइमिंग अपना 8 बजे का। तो भाई मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो में भाई कि अपने जो स्टेशन है वो चेंज हो रहा है, मतलब लोकेशन चेंज हो रही है उसकी, मतलब जो यहाँ पे अपना गोल्ड मॉल था यहाँ शिफ्ट होकर लोही नगर जा रहा है। तो एक अपना भाई है, उसकी कमेंट आई थी भाई कि मेरे को मतलब लोकेशन कैसे लगानी है वेयर हाउस की। तो भाई वेयर हाउस लोकेशन अपन कैसे लगाएंगे, कस्टमर कैसे लगाएंगे, वो भी दिखा दूंगा आपको मैं। मैंने उस भाई को बता दिया था कमेंट करके भी और मैसेज करके भी इंस्टाग्राम पे, बट अब भाई कह रहा समझ नहीं आया। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं अब उसके लिए भाई बता रहा हूँ कैसे कैसे सीन होएगा। सबसे पहले आते हैं अपन अमेजन एप्लीकेशन में, शेड्यूल पे आते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट ट्रेवल करेंगे अपन लोकेशन पर पहुँच के। बट उससे पहले अपने को लोकेशन लगानी है वेयर हाउस की। वैसे तो ऑफलाइन मैप है ये, जैसा आप चलते रहोगे ये भी चलता रहेगा, बट नेविगेशन लोकेशन लगानी जीपीएस वाली, तो उसके लिए अपने को इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ये जो एरो आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे अपन, तो भाई गूगल मैप में खुल जाएगा सीधा ये। यहाँ पर लगाया अपने डायरेक्शन, अपने यहाँ से भाई लोकेशन है 4.5 किलोमीटर, जो लोकेशन अपनी स्टेशन की अभी आ रही है भाई। ये देखो यहाँ से अपन निकलेंगे, यहाँ पे ये रेलवे क्रॉसिंग है भाई, अंडर पास है, यहाँ से अपन नीचे से निकल जाएंगे। ये अपना दूसरीनाथ मंदिर जस्सीपुरा, और यहाँ से लेफ्ट लेके हापुड़ मोड़ से राइट लेंगे, सीधा अपना बस अड्डा वाला, ये अपना बस अड्डा आ जाएगा और बस स्टैंड गाजियाबाद का। ये अपना RDC आ गया गौर मॉल के अंदर, यहाँ से अपन इसको कर लेंगे स्टार्ट। लो जी भाई लोकेशन लग चुकी है, अब जैसे जैसे निकलना आप देख लो भाई, जैसे आपको एडजस्ट लगे। बाकी जो प्रोसेस है ना भाई, ये न्यू बंदों के लिए है, अपने को तो भाई लोकेशन पता है क्रिटिकली, इसलिए अपन लोकेशन नहीं लगाएंगे। हाँ लेकिन अभी जब लोकेशन चेंज होने वाली वेयर हाउस की, एड्रेस तो चेंज हो चुका है बट लोकेशन अभी चेंज हुई है, हमको अपडेट मिल चुका है 26 तक मैक्सिमम बता रहे हैं, बाकी 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। तो बाकी अभी निकल रहा है अपन सीधा वेयर हाउस के लिए, और अराइव वगैरह करेंगे, ऑर्डर वोडर देखते क्या मिलता है, रूट सीधा मिलता है आपसे आफ्टर पिकअप। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। फाइनल भाई अपना रूट हो चुका है पिकअप, और अभी जो मिला है ना अपने को ऑर्डर मिला है भाई, लाल कुआ, नेहरू नगर, अशोक नगर, विवेकानंद नगर, 4 ऑर्डर हैं। लोकेशन तो 4 ही हैं बट 2 तरफ की हैं, एक लाल कुआ साइड की और एक अपनी जीपीओ साइड की। जैसा कि भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि अपने को लोकेशन कैसे लगानी है अपने वेयर हाउस की, अब मैं दिखाऊंगा भाई आपको कस्टमर लोकेशन आप कैसे लगाएंगे। तो भाई फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ रूट भाई पूरा सीन क्या, फिर दिखाऊंगा आपको लोकेशन कैसे लगाएंगे कस्टमर की। सबसे पहले बाइक का मीटर है भाई 9423, टाइम रखा भाई 8:09। अमेजोन एप्लीकेशन में आते हैं अपन, टूडे जेंटर ने मैप के अंदर आते हैं। तो भाई अपनी ये 4 लोकेशन है अभी, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। भाई 3 नंबर अशोक नगर, 4 नंबर विवेकानंद नगर, और 5 नंबर थर्ड का एच ब्लॉक है, 6 नंबर है आपका सारे होम्स के पास का, इबोनी ग्रीन मानसो पार्क के पास का। समरी माजो भाई अपना एक ऑर्डर है अनपेड, जिसकी अमाउंट है भाई 520। दिखाता हूँ भाई आपको कस्टमर की लोकेशन कैसे लगानी है। सपोज़ आप कोई सा भी ऑर्डर को सिलेक्ट कर लो जिसकी लोकेशन लगानी है, हम लगाएंगे लोकेशन लालगुए वाले की, उस पर क्लिक करा आपने। ये ऑफलाइन लोकेशन यहाँ पर आ चुकी है, फिर सेम प्रोसेस भाई, एरो पे क्लिक करना है अपना, गूगल मैप लग जाएगा सीधा, डायरेक्शन पर आए अपन स्टार्ट। अपनी लोकेशन लग चुकी है कस्टमर के यहाँ की भाई, देख लो आप कितना, 6.5 किलोमीटर, 6.7 किलोमीटर की तरफ से बैठेगा जो अपना लालकुए वाला ऑर्डर है। तो जैसा कि भाई मैंने आपको दिखा दी अपनी बाइक का मीटर है भाई 9423 आई थिंक, और अभी अपन निकलेंगे अपने फर्स्ट लोकेशन के लिए, जो कि है भाई अपनी अशोक नगर की, फिर विवेकानंद नगर, फिर लालकुआ, वापस आते हम कर देंगे अपन नेहरू नगर का ऑर्डर जो अपना एच ब्लॉक का है, और भाई जो अपना लास्ट ऑर्डर है ना वही अपना COD होने वाला, मतलब भाई कैश ऑन डिलीवरी। और मैंने आपको भाई दिखाई दिया किस तरह अपने कस्टमर की लोकेशन लगानी है, और वेयर हाउस कैसे लगानी वो भी आपको दिखाई दिया। तो भाई अभी निकलते हैं फर्स्ट लोकेशन के लिए, और सीधा मिलता है आपको लोकेशन में पहुँच कर, और भाई देखते हैं अपना ये रूट कितने किलोमीटर में कवर होता है और कितने टाइम में कवर होता है। फाइनल भाई पहुंच चुके हैं फर्स्ट लोकेशन के पास ही हैं, कस्टमर को फ़ोन लगा लिया अपने ने, देखते कौन बोलता कौन उठाता फ़ोन। भाई लोकेशन पता आ चुका है, अब कस्टमर ने फ़ोन पिक नहीं किया है, उनका प्लॉट नंबर देखना पड़ेगा अपने को, ये तो नहीं है भाई, आई थिंक आगे वाले होगा, कंफर्म है ये वाला। अमेजोन से ऑर्डर है आपका एक, शायद घर के बाहर ही खड़ा हूँ मैं आपके। भाई ये क्या आइटम है, पहले फ़ोन क्यों उठाया नहीं था आपने? थैंक यू, कस्टमर को ऑर्डर कर दिया हैंड ओवर अपने ने, करना कुछ नहीं है,
बैग को सेंड करके कंटिन्यू और नो प्रॉब्लम। जैसा कि भाई ये ऑप्शन था ना, यहाँ पर आपसे क्लिक करेंगे नो प्रॉब्लम आइटम डैमेज आइटम मिसिंग आइटम इनकरेक्ट आइटम नो लॉन्गर डिजायर्ड, मतलब भाई कस्टमर को ऑर्डर चाहिए नहीं, मतलब आइटम सब कुछ ठीक है बट कस्टमर को ऑर्डर चाहिए नहीं, तो आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। बट अभी कोई दिक्कत नहीं है तो नो प्रॉब्लम पर क्लिक करा, कंटिन्यू कन्फर्म और भैया स्वाइप टू फिनिश डिलीवर अपना फर्स्ट ऑर्डर। और अभी चलता है भाई अपने सेकंड लोकेशन के लिए जो कि भाई है विवेकानंद नगर की। ऑर्डर अपना सेकंड ऑर्डर भी पेड ही है, थर्ड भी पेड है, बट फोर्थ ऑर्डर अपना अनपेड है और फर्स्ट भी अनपेड था। तो सीधा निकलता है लोकेशन के लिए, मिलते हैं आपको लोकेशन पे पहुँच कर विवेकानंद नगर। अपना ऑर्डर है विवेकानंद नगर का भाई, ऑर्डर में है अंडे, जिसकी वजह से भाई अपने को बाइक बहुत आराम से लानी पड़ रही है, भाई टूट टाट की दिक्कत हो जाएगी ना इस चक्कर में। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। फाइनल भाई पहुंच चुके हैं सेकंड लोकेशन पे भी। अब अपने को प्लॉट नंबर देखना पड़ेगा बिकॉज कस्टमर की लोकेशन ना थोड़ी आगे पीछे आ रही है। आई थिंक ये वाला ग्राउंड चेन का। हेलो, अमेजोन से ऑर्डर है आपका? कहाँ पे भैया? शायद आपके घर के बाहर ही हूँ मैं। ठीक भैया। ओके, मैं तो भाई कन्फ्यूज था मेल है फीमेल है, बट उन्होंने जब उन्होंने कहा ना आ रहा हूँ मैं, फिर समझा मैं भाई फीमेल नहीं मेल है। एक रोटी ठीक है, थैंक यू भैया। लोकेशन ना आपकी वहाँ खत्म हो गई थी पीछे ही। ये क्या है? मतलब हमको ना मैप में दिखाता है। अच्छा, तो इसलिए हमने देख लिया प्लॉट नंबर ये वाला ही है। ओके भैया, करते हैं डिलीवरी ऑर्डर को भी वही सेम प्रोसेस नो प्रॉब्लम सभी आइटम कंटिन्यू कन्फर्म स्वाइप टू फिनिश। भाई जो अपना थर्ड ऑर्डर है ना भाई, मतलब एक ऑर्डर के लिए अपने को काफ़ी लंबा जाना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अपन यहाँ खड़े हुए हैं और अपने को ये पूरा भाई ये रोड जा रहा है वाला, ये पूरा क्रॉस करना है। यहाँ देख लो भाई क्या तगड़ी लोकेशन है, कितनी दूर है, मतलब यहाँ से ना अपने को सिर्फ ये ऑर्डर डिलीवर करना जाना है यहाँ पर, वापस फिर अपने को इस साइड ही आना है। अब भाई मिलाए तो ऑर्डर करना तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है भाई, जो ऑर्डर अपने पिकअप होकर डिलीवर करना ही पड़ेगा अपने को वो, बिकॉज ये रूल है अमेजोन फ्लैक्स का। और भाई पता है मतलब अभी टाइम रखा है 8:31, मैक्सिमम हम 8:40 तक फ्री हो जाते अगर ये ऑर्डर नहीं होता, इसकी जगह ऑर्डर कोई आसपास का होता है यहाँ का। अब अपने को एक ऑर्डर की वजह से सिर्फ 9 के समथिंग का टाइम हो जाएगा, 9+ हो सकता है, बिकॉज जो रास्ता है ना, मतलब इसमें आधे से ज़्यादा रास्ता सारा ऑफ रोडिंग है, जाने का भी ऑफ रोडिंग आने का भी एक ऑफ रोडिंग, भाई पूरी ऑफ रोडिंग है यार, बहुत तगड़ी वाली बात है। अगर वो रास्ता भी ठीक होता ना भाई तो फिर भी ना अपन 9 से पहले वाले फ्री हो गए थे, लेकिन अब शायद 9+ टाइम हो सकता है बिकॉज पूरा रास्ता ऑफ रोडिंग है। तो फिलहाल यहाँ से निकलते लोकेशन के लिए, मिलते सीधे आपको लोकेशन पर पहुँच कर। अरे क्या हो गया भैया? हाँ जी क्या हो गया, क्या हो गया? तो मैं तो हेल्प करने के लिए कर रहा हूँ भाई। पेट्रोल है भाई, पंचर है? ना पेट्रोल है नहीं है। पेट्रोल नहीं है तो बैटर पैर लगा दूंगा, इस साइड लग जाएगा ना? लग जाएगा ना साइड। कहाँ पे जाओगे? नौ मंडी में जाओगे, लेफ्ट जाओगे राइट इधर जाओगे, इधर पास में ही है ना। चलो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, फिर निकलता हूँ ठीक है भैया मैं। ओके ओके, तो भाई जिसकी जितनी हेल्प हो जाए भाई उतनी हेल्प कर दो यार। अब मेरे पास वेट भी नहीं था, ऑर्डर भी हल्के हल्के थे और मेरे पास टाइम भी था, तो भाई इस चक्कर में ना मैंने भैया की हेल्प कर दी यार, थोड़ी सी पैर लगा दी, कोई दिक्कत नहीं अपने को यार। भैया कहने का मुझे यहीं से लेफ्ट निकलना है, आप निकल जाओ, मैं ठीक है भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं अपने को। तो अपना तो वो वाला हाल है भाई, जिसकी जितनी हेल्प हो जाए उतनी कर देता भाई, भगवान सब देखता है, बात तो सही है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं भाई थर्ड लोकेशन पे भी, एक एंट्री कंपलसरी। भैया फ़ोन नहीं उठा रहे, राशन है, ऑर्डर पेड है। ब्लॉग बनाते भैया? हाँ जी ब्लॉग। हाँ भैया यूट्यूब पे? हाँ जी भैया, गेट पे था, बात कर लीजिए। हेलो, हाँ भैया मैं सैरम से गार्ड बात कर रहा हूँ, फ्लैट नंबर। तो भाई पहुंच चुके हैं कस्टमर के ब्लॉक पर भी और इनका है फर्स्ट फ्लोर, तो भाई जाना पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर पर अपने को। और इनके सिर्फ यार दो ही आइटम है, फ्लैश खोलनी पड़ेगी, इनके सिर्फ दो आइटम है, हिमांशु के नाम से ऑर्डर है। थैंक यू। दो चीज़ें क्या भैया? हाँ जी दो चीज़ें, खाई चाय पत्ती है। हाँ दो है ना, हिमांशु श्रीवास्तव यहाँ पर ना, हिमांशु श्रीवास्तव। हाँ हाँ दो चाय पत्ती है आपके, दिखा दो ये देख लीजिए। और कोई सामान नहीं? नहीं दो आइटम है फिलहाल, दो। हाँ एक मिनट भैया। हाँ पूछ लीजिए, कस्टमर को डाउट हो रहा है आइटम कम तो नहीं आया। ऑर्डर में कुछ और भी क्या था आपने? फोन नहीं पिक कर रहे हैं, चाय पत्ती है तो फोन उठा नहीं रहा। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने ऑर्डर में कुछ और भी किया था क्या? ये देख लीजिए ना मेरे पास। कोई बात नहीं भैया, तुमने दो दिया बात कर लेगा आपसे। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये देखो ना आप दो आइटम दिखा रहे ना। ठीक है भैया,
ठीक है, थैंक यू। कर्सर डिलीवरी ऑर्डर को भी अपने थर्ड ऑर्डर को भी कंटिन्यू कंफर्म स्वाइप टू फिनिश। बाकी अभी जा निकलते हैं अपन अपने फोर्थ एंड लास्ट ऑर्डर की लोकेशन के लिए कि भाई नेहरू नगर थर्ड एच का। और कस्टमर से बात हो चुकी थी, सीओडी ऑर्डर है भाई, टाइम हो चुका है 8:52। अगर भाई ये ऑर्डर यहाँ का नहीं होता ना तो अपन अब तक बहुत पहले फ्री हो गए होते, लेकिन क्या करें भाई, मिला तो करना पड़ेगा। तो फिलहाल भाई यार देरी करें निकलते हैं लोकेशन के लिए, मिलते हैं आपके लोकेशन पे पहुँच कर। तो फाइनली भाई पहुँच चुके हैं लास्ट लोकेशन के आसपास ही अपन, आई थिंक घर सामने वाला ये वाला, आई डोंट नो। हेलो, हाँ भैया शायद मैं आपके घर के बाहर ही था। 2000 years later खाली कर लो अंदर या फिर हाथ में। खाली करके ला रहा हूँ। ले ले पैसे, यू पी आई कर दो। कैश कैश है, कैश है। हाँ 520। ठीक भाई, गिर को रही हो यार इनके तो भाई, बहुत ज़रूरत है अपने को। ये अपने हाथ से गिर रहे हैं। अपना बाइक का मीटर है 9437, मतलब भाई 38 ही हो लिया। टाइम रखा है 9:05। भाई कटरा डिलीवरी से अपने ऑर्डर को भी कंटिन्यू कंफर्म स्वाइप टू फिनिश। तो जैसा कि भाई आपने देख लिया अपना जो रूट था भाई, अपना 1 घंटे के अंदर डिलीवर्ड हो गया और 15 किलोमीटर बाइक चली अपनी मैक्सिमम, जो अपनी पिकअप से डिलीवर तक की बाइक है। फर्स्ट ऑर्डर थी अपने कोई दिक्कत नहीं, सेकंड में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब अपन थर्ड पे जा रहे थे भाई, अपने को भाई मिला था जिसकी थोड़ी यार बाइक का पेट्रोल, स्कूटी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो भाई थोड़ी सी अपने ने उसकी हेल्प कर दी। तो भाई अपना तो यार वो वाला सीन है, जितनी इसकी हेल्प हो जाए उतनी कर देते हैं। भाई आप भी यार जिसकी हेल्प हो कर दिया करो, रोड पर रहते हो भाई, जो भी भाई अपना भाई बाइकर है या जो भी है, बहुत मतलब बहुत बंदों को परेशानी होती है, तो उनकी हेल्प कर देनी चाहिए भाई, आपको दुआई देगा यार। थर्ड ऑर्डर दिया अपने ने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कस्टमर को लगा आइटम मैंने और भी किया था, सीन थोड़ा ऐसा था, उन्होंने ऑर्डर किया था वो घर पे थे नहीं, तो उनके फैमिली मेम्बर थे, तो कहने लगे आइटम तो और भी है, 2 आइटम क्यों लेके आए हो। मैंने कहा जी देखो आंटी थी, मैंने आंटी आज जिन्होंने ऑर्डर किया आप उनसे कंफर्म कर लीजिए, या तो कुछ आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो या फिर आपका कुछ आइटम शेड्यूल हो गया होगा, शेड्यूल मतलब भाई वो आइटम अमेजोन शेड्यूल कर देती है सेम डे के लिए या फिर नेक्स्ट डे के लिए। कस्टमर को पूछना जाहिर है, लेकिन अमेजोन की ये सही बात नहीं है, मतलब यार जाहिर सी बात है उस आइटम की जरूरत है तभी तो ऑर्डर कर रहा है उस टाइम के लिए, लेकिन उस टाइम के लिए मिली नहीं, मिलती नहीं उसे, या फिर वो नेक्स्ट डे के लिए या फिर सेम डे के लिए डिलीवरी होती है अदर के स्लॉट में, ये बात, ये चीज़ थोड़ी गलत सी लगती है अपने को। वो भाई कस्टमर थोड़ा इरिटेटेड था इस चक्कर में, वो मतलब उनके पास अभी पहुँच जाती है, लेकिन सही नहीं है यार ये चीज़। अभी अपनी स्लॉट की अर्निंग ये भाई ये वाली है, जो अपने सिर्फ 15 किलोमीटर बाइक चला के और 1 घंटे के अंदर और 4 ऑर्डर डिलीवर करके अर्न कर लिया है। भाई मैंने आपको दिखा भी दिया किस तरह अपने को कस्टमर की लोकेशन लगानी है, किस तरह लोकेशन लगानी वेयर हाउस की, और सेम प्रोसेस भाई ये है वापस वेयर हाउस जाने का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई बात करते हैं, जैसे कुछ बंदे नए होते हैं उन्हें जाना वेयर हाउस, वापस कैसे जाएंगे वो, तो भाई सेम प्रोसेस है भाई, ये अपनी लोकेशन वेयर हाउस की, इस पर क्लिक कर लेंगे अपन स्टार्ट ट्रैवल, वही अपनी जीपीएस मैप लगा लेंगे यहाँ से, वही क्लिक कर लेंगे स्टार्ट पे अपन, तो भाई अपनी लोकेशन लग जाएगी वेयर हाउस की, यहाँ से दिखा रहा है वेयर हाउस भाई 4 किलोमीटर अभी लास्ट ऑर्डर से। भाई वापस की लोकेशन का भी यही थोड़ा सा नॉर्मल सा प्रोसेस है, बाकी इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना और भाई कमेंट करके बताना वीडियो में अच्छा लगा। ओके टाटा टेक, जय हिंद जय भारत, मिलता है नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, तब के लिए बाय बाय।